एक बार एक छोटा सा लड़का करीबन 7 या 8 साल का एक जंगल से जा रहा होता है। ज्यादा चलने की वजह से उस लड़के को प्यास लगने लगती है और वो लड़का पानी ढूंढने लगता है। वो देखता है कि जंगल के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी है। वो लड़का चलते चलते उस झोपड़ी तक पहुंचता है और देखता है झोपड़ी में 70 या 80 साल की एक बुजुर्ग महिला चारपाई पे लेटी हुई है। वो लड़का उस महिला से पानी मांगता है और महिला खड़ी होकर मटके में से एक गिलास पानी उस लड़के को दे देती है। जब लड़का पानी पी लेता है तब महिला उस लड़के से कहती है कि बेटा आप बड़े होकर राजा बनोगे। लड़के को बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती, लड़का बिल्कुल भी खुश नहीं होता। लड़का ये कहता है कि मुझे पता है मैं बड़े होकर राजा बनूंगा क्योंकि मेरे पिताजी इस राज्य के राजा हैं। जब उनका निधन हो जाएगा तब उनका कार्यकाल मैं ही संभालूंगा। लड़का उस महिला से कहता है कि आप कुछ ऐसा बताइए जो मैं नहीं जानता हूं। महिला उस लड़के से कहती है कि बेटा आपकी शादी आपकी बहन से होगी, ये एक सच्चाई है। लड़का जैसे ही ये बात सुनता है वो हैरान रह जाता है। लड़का उस महिला से कहता है कि आप ये क्या कह रही हैं। महिला बोलती है कि बेटा जो भी आपने सुना है सही सुना है, आपकी शादी आपकी बहन से होगी। लड़का गिलास फेंकता है, झोपड़ी से बाहर आता है और भागते भागते घर जाता है और सोचने लगता है। रात होती है, वो लड़का खाना भी नहीं खाता और यही सोचता रहता है कि महिला ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि मेरी शादी मेरी बहन से होगी। वो पूरी रात सोचता रहता है कि मेरी शादी मेरी बहन से कैसे हो सकती है। अब वो लड़का अपने मन में सोचने लगता है कि मैं अपनी बहन से शादी कभी नहीं करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, चाहे मुझे इसके लिए अपनी बहन की मृत्यु ही क्यों ना करनी पड़े। और वो लड़का ऐसे ही सोचता है। वो सोचता है कि अगर क्यों ना मैं अगली सुबह अपनी बहन को नदी के किनारे ले जाके वहां से धक्का मार दूं तो मेरी बहन की मृत्यु हो जाएगी और मुझे अपनी बहन से शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। और ऐसा ही वो करता है, अगली सुबह अपनी बहन को नदी के किनारे ले जाके वहां से धक्का मार देता है और चला आता है। दिन बीतते जाते हैं, अब वो लड़का किशोर होता है और बड़ा हो जाता है और वो राजा बन जाता है। एक दिन राजा साहब शिकार खेलने के लिए जंगल में जा रहे थे और जब वो जंगल में जा रहे थे वो देखते हैं कि नदी के किनारे एक बहुत सुंदर लड़की मछली पकड़ रही थी। राजा साहब तुरंत अपने सेनापति से कहते हैं कि रथ रोकिए और इस लड़की को देखिए, ये बहुत सुंदर है, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। राजा ये बात अपने पिताजी को कहते हैं जो बड़े राजा थे। उनसे कहते हैं कि पिताजी मैंने आज एक लड़की को पसंद किया है, वो लड़की बहुत सुंदर है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बड़े राजा काफी खुश होते हैं। बड़े राजा पूछते हैं कि वो किस राज्य की महारानी है या किस राज्य की राजकुमारी है। वो राजा कहते हैं कि वो महारानी या राजकुमारी नहीं है, वो तो मछली पकड़ रही थी, वो मछुआरे की बेटी है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बड़े राजा बड़े हैरान रहते हैं। वो कहते हैं बेटा आप हमारे पुत्र हो, अगर आप किसी मछुआरे की बेटी से शादी करोगे तो ये हमारे समाज के लिए एक हंसी मजाक होगा। राजा कहते हैं कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा, वो लड़की मेरे दिल को भा गई है। और बड़े राजा कहते हैं अगर आपको उस लड़की से शादी करना है तो आप कर लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर लीजिए। और राजा अपने पिता की बात नहीं मानते हैं और वो उस लड़की से शादी कर लेते हैं। दिन बीतते जाते हैं। राजा एक दिन दोबारा से जंगल में जा रहे होते हैं तो उन्हें वही झोपड़ी दोबारा से दिखती है। जैसे ही वो झोपड़ी में जाते हैं तो उन्हें वही महिला चारपाई पे लेटी हुई नजर आती है। राजा उस महिला से कहते हैं कि आपको याद है करीबन आज से 25-26 साल पहले जब मैं छोटा बच्चा था मैं आपकी झोपड़ी में पानी पीने के लिए आया था। महिला कहती है हाँ मुझे याद है, सब कुछ बताइए कैसा चल रहा है राजा जी। राजा कहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे याद है एक बार आपने मुझसे ये कहा था कि मेरी शादी मेरी बहन से होगी, ये बात मैंने आपकी झूठी साबित कर दी है, मेरी शादी एक लड़की से हुई है जो बहुत सुंदर है। वो बुजुर्ग महिला हंसते हुए कहती है राजा साहब आप मेरी बात को मानिए, आपकी शादी आपकी बहन से ही हुई है। राजा हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। वो बुजुर्ग महिला को धमकाते हुए कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बुजुर्ग महिला हंसते हुए कहती है राजा साहब आप मेरी बात को मानिए, आपकी शादी आपकी बहन से हुई है। राजा गुस्से में तिलमिलाता हुआ झोपड़ी से बाहर भागता है और तुरंत घर पहुंचता है। अब राजा गुस्से में आके अपने घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे पिता से अभी के अभी मिलना चाहता हूँ। लड़की के पिता को बुलाया जाता है और राजा लड़की के पिता से पूछते हैं कि आपका और आपकी बेटी का क्या रिश्ता है, मुझे बताइए। लड़की के पिताजी सिर झुकाते हुए कहते हैं कि ये मेरी सगी बेटी नहीं है राजा साहब।
राजा साहब को बड़ी हैरानी होती है जैसे ही वो ये सुनते हैं। राजा साहब कहते हैं, ये तुम्हारी सगी बेटी नहीं है? मतलब? तो वो लड़की के पिताजी कहते हैं कि आज से करीबन 25-26 साल पहले जब मैं मछली पकड़ने नदी के किनारे जा रहा था तो एक छोटी सी बच्ची मुझे डूबते हुए मिली। मैंने उस लड़की को बचाया और मैंने उस लड़की की देखभाल की और वो लड़की बड़े होकर सुंदर लड़की बनी जो आज आपकी पत्नी है। जैसे ही राजा ये बात सुनते हैं उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अब राजा को वो सभी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उन्हें ये भी याद आने लगता है कि आज से करीबन 25 या 26 साल पहले मैंने अपनी छोटी बहन को नदी में धक्का मार दिया था और ये लड़की और कोई नहीं मेरी बहन ही है। तो मतलब मेरी शादी मेरी बहन से हुई है, वो झोपड़ी वाली बुजुर्ग महिला सही कहा करती थी। राजा साहब भाग के जंगल में जाते हैं और उस बुजुर्ग महिला से पूछते हैं कि आप कौन हैं, अपना परिचय दें, क्योंकि एक बार आपने मुझसे ये कहा था कि मेरी शादी मेरी बहन से ही होगी और आज मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि मेरी शादी मेरी बहन से ही हुई है। बुजुर्ग महिला हंसते हुए कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी किस्मत हूँ, आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है आपको 100% वो मिलके ही रहेगा। आपकी किस्मत में ये लिखा था कि आप राजा बनोगे तो देखिए आप राजा बन गए। आपकी किस्मत में ये भी लिखा हुआ था कि आपकी शादी आपकी बहन से होगी तो देखिए आपकी शादी आपकी बहन से ही हो गई। और दोस्तों असल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, हम चीजों के पीछे भागते रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिलके ही रहेगा और जो आपकी किस्मत में नहीं है आप उसके पीछे कितना भी भागिए कितनी भी मेहनत करिए आपको वो चीज नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप अगर ये बोलें कि मेहनत करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। नहीं, जरूरी नहीं है कि हर मेहनत करने वाला सफल हो जाए। आप चाय वाले को देखिए, आप रिक्शे वाले को देखिए, कितनी मेहनत करते हैं ये लोग मगर फिर भी सफल नहीं हो पाते। और वहीं कुछ लोग थोड़ी सी ही मेहनत करते हैं और वो सफल हो जाते हैं क्योंकि उनकी किस्मत में वैसा लिखा गया है। और किस्मत कैसे बनती है? वो बनती है आपके कर्मों के हिसाब से, जो आपने पिछले कर्म करे हैं। अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं तो आपकी अच्छी किस्मत बनेगी और अगर आपने अच्छे कर्म नहीं करे हैं तो आप संघर्ष ही करते रहेंगे पूरे जीवन। तो ये सच्चाई है, आप मानिए इस बात को, मेहनत करिए, करते रहिए, देखिए कुछ होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे बताइए नीचे कमेंट में करके आपको ये वीडियो कैसी लगी ताकि आने वाली वीडियोस में और भी अच्छी लेकर आऊं। शुक्रिया।